यूट्यूब तो हमने सीख लिया और ये भी देख लिया कि डिफरेंट ऑप्शंस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और उनको एक्सेस कैसे करना है, और आई एम श्योर कि अभी आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. लेकिन फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर यूट्यूब की कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए आपको स्किल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इस सेशन में हम वो देखेंगे. तो आइए नज़र डालते हैं उस लिस्ट के ऊपर जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब जॉब्स के नाम से एग्जिस्ट करती हैं. सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जॉब ये यूट्यूब के अंदर आपको मिलेगी वो है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की. आपको क्लाइंट ये जॉब देगा कि मेरा एक यूट्यूब पेज है, मैं उसको रन कर रहा हूँ, या मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है अपने ब्रांड का मेरा पेज है, उसके ऊपर आप सब्सक्राइबर्स के नंबर्स को बढ़ाएं. ये काम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट भी होता है. क्यों? ज़रा अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए. जब आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे होते हैं तो अक्सर आप नोट करें कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर अगर मुझे एक यूट्यूबर पसंद है जो बड़ी रेगुलरली वीडियो पोस्ट करता है, मैं उसकी यूट्यूब वीडियोस को देखता भी हूँ और बड़ा रेगुलर देखता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. तो चैनल सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी. हो सकता है इसमें आपको फेसबुक मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी यूज़ करना पड़े और फेसबुक के ऊपर जाके आपको लिंक देना पड़े कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ये सब्सक्राइब वही है जो लाल बटन यूट्यूब के ऊपर आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है. तो क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, और आपको एज ए डिजिटल मार्केटर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से मार्केटिंग टूल्स यूज़ करके आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, खाली यूट्यूब पे या यूट्यूब के अलावा भी. ये आपकी डिसीजन है. अगर हम इसे आगे चलें तो अगला मेन प्रोजेक्ट जो अक्सर आपको क्लाइंट की तरफ से रिसीव होगा वो इंक्रीज व्यूज़ का होगा. यानी कि हमने वीडियोज़ तो पोस्ट कर दी, सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन मेरी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए. ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स उन क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं जो यूट्यूब वीडियोस को पोस्ट करते हैं फॉर अर्निंग मनी, यानी पैसे कमाने के लिए. तो ये काम भी आपको एज ए डिजिटल मार्केटर सोचना पड़ेगा कि क्या खाली मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है व्यूज़ बढ़ाने के लिए इन वीडियोज़ की, या मैं गूगल की किसी वेबसाइट को या एफिलिएटेड वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ, सर्च इंजन को यूज़ कर सकता हूँ, या फेसबुक को यूज़ कर सकता हूँ. याद रखिए फेसबुक इज़ ए वेरी पावरफुल टूल और आप इनमें मार्केटिंग में से फेसबुक को निकाल नहीं सकते. तो आप फेसबुक मार्केटिंग करके एक वीडियो के इंक्रीज व्यू भी कर सकते हैं, जिसकी बेतहाशा एग्जांपल्स आप अक्सर फेसबुक पे देखते भी होंगे. इससे आगे अगर हम चलें तो चैनल मैनेजमेंट की एक जॉब अक्सर आपको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी मिल रही होती है. यानी कि आपको एक क्लाइंट पैसे पे करता है कि यार आप महीने के ना मेरा यूट्यूब पेज को चैनल या यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के पैसे ले लो मुझसे. ये एग्जैक्टली वही कम्युनिटी मैनेजमेंट है जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर रहे होते हैं और ट्विटर पर भी कर रहे होते हैं. तो यूट्यूब के अंदर हम उसको चैनल मैनेजमेंट का नाम देते हैं. इससे आगे चल के अगर हम देखें तो YouTube कंसल्टेंट की एक जॉब अक्सर आपको फ्रीलांसिंग दुनिया में नज़र आती है. YouTube कंसल्टेंट आप बनते हैं जब आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन चुके हैं. आपको ये भी पता है पैसे कैसे कमाने, आपको ये भी पता है एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, और आपको ये भी पता है कि वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं और चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं, तब आप एक यूट्यूब कंसल्टेंट बन जाते हैं. और यूट्यूब कंसल्टेंट का काम इन तमाम चीज़ों का नॉलेज देना होता है क्लाइंट को. क्लाइंट अक्सर कहता है कि मेरे पास इन हाउस सोशल मीडिया की टीम मौजूद है या यूट्यूब की टीम मौजूद है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें और हम उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करें ताकि हमारे व्यूज़ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें और हम भी पैसा कमा सकें. तो दैट्स वेयर यू हेल्प देम एंड यू चार्ज द मनी कि जो आप समझते हैं कि आपकी कंसल्टेंसी फीस होती है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है जो अक्सर आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर एज ए जॉब नज़र आ रही होती है वो होती है प्रमोशनल वीडियो या प्रमोटिंग वीडियोज़ की. ये ऑप्शन व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के साथ मिलती जुलती है. यहाँ क्लाइंट आपको एक बजट देता है और बजट देके कहता है कि जी यूट्यूब के ऊपर इन वीडियोस को आप प्रमोट करें बाय यूजिंग पेड यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, और आपको गूगल एडवर्ट्स की मदद से और यूट्यूब की मदद से इसका बजट को स्पेंड करना होता है और इन वीडियोज़ को प्रमोट करना होता है. तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने जेनेरिकली आपको बड़ा ब्रीफली बताया कि कौन कौन सी जॉब फ्रीलांसिंग इन दुनिया में अवेलेबल है. यूट्यूब को जहन में रखकर, इन जॉब्स को जहन में रखिए, और जब आप नेक्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाएं और वहां जाके अगर यूट्यूब के अंदर आपका इंटरेस्ट है, यूट्यूब में आप डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हैं, तो इन जॉब्स की लिस्ट में से एक जॉब सेलेक्ट कीजिए और उसमें अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए.